हेलो नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड अगेन वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ 11 जुलाई 2017। तो आज के इस हिस्ट्री को डिस्कस करने के लिए एज यूजुअल जो हमारा सेशन है स्टार्टिंग विद द हेडलाइंस एंड देन कंटिन्यूइंग विद द बर्थ सेशन डेथ सेशन एंड यस फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू SSC CGL। सो हियर वी आर विद द सेशन एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड बिगनिंग विद द हेडलाइन टुडे 11 जुलाई 1811। ओके सो हियर वी कैन सी 1811 ईयर है यहाँ पे और डेट होता है हमारा 11 जुलाई, जिस दिन क्या हुआ था, इटालियन साइंटिस्ट एमेडो एवोगाड्रो पब्लिशेज हिज मेमोयर ऑन द मॉलिक्यूलर कंटेंट ऑफ गैसेस। ओके सो इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर हिम। सो ये एक हमारे लिए हेडलाइन बन जाता है एंड एज वेल एज इट इज रिलेटेड टू साइंस, एवोगाड्रो से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये हेडलाइन रखा आप लोगों के लिए। ओके मूविंग अहेड टू द बर्थडे सेशन। बर्थडे सेशन की अगर हम बात करें तो 11 जुलाई 1934 इन द ईयर ही टुक बर्थ, दैट इज जॉर्जियो अरमानी। ओके जॉर्जियो अरमानी की अगर बात करें तो नेम अरमानी इटसेल्फ टेल्स अबाउट हिम कि ये ही वॉज फैशन डिजाइनर, एक फैशन डिजाइन से रिलेटेड नाम है ये, बहुत ही बड़े हस्ती हैं फैशन डिजाइनिंग में। तो इनके अलावा मीन्स ही इज़ बेसिकली फेमस फॉर मेन्स वेयर। मूविंग अहेड टू द डेथ सेशन। डेथ सेशन की अगर हम बात करें 11 जुलाई 2015 को इनका डेथ हुआ था, निधन हुआ था, क्लॉडिया अलेक्जेंडर नाहु वोशी। अगर इनकी बात करें तो ये एक मतलब शी वॉज अ प्रोफेशनलिज्म इन द फील्ड ऑफ साइंस और उसके अलावा शी हैज़ ऑल्सो वर्क विथ नासा। ओके मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। हियर वी आर क्वेश्चन आंसर सेशन विद स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मिखाइल कलाश्निकोव हु डाइड एट द एज ऑफ 94 ईयर वॉज फेमस फॉर डेवलपिंग ए वैरिसेला वैक्सीन, बी AK-47, सी हेलीकॉप्टर फॉर आर्मी या फिर डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ हम देख सकते हैं मिखाइल कलाश्निकोव की बात की गई है जिनकी वर्ष 94 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। तो कौन थे ये, किस मतलब ये किस चीज़ में फेमस थे या फिर प्रसिद्ध थे, वी कैन से। सो आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे आंसर बी, डैट इज़ AK-47, जिसका हम बहुत अच्छे से नाम जानते हैं AK-47। सो ही वॉज लाइक फेमस फॉर डेवलपिंग दिस पर्टिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट। मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर टू। पैम्पस ग्रास लैंड आर सिचुएटेड इन विच कंट्री। पैम्पस घास स्थल किस देश में स्थित है, ए यूरेशिया, बी हंगरी, सी USA या फिर डी अर्जेंटीना। तो आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे डी अर्जेंटीना। पैम्पस ग्रास लैंड रिलेटेड टू अर्जेंटीना, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री। पीर पंजल रेंज इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ द मिडिल हिमालयन विच इज सिचुएटेड इन। पीर पंजल श्रृंखला मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है जो कि कहाँ स्थित है, डैश में स्थित है। तो यहाँ वी कैन सी द ऑप्शंस विच आर हियर इज ए उत्तराखंड, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी सिक्किम या फिर डी नेपाल। सो हियर इट इज़ अ बिट कन्फ्यूजिंग, नॉट कन्फ्यूजिंग, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस जिस तरीके से हैं उस तरीके से हमें आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ आपका अगर आंसर देखें तो डैट इज़ आंसर बी, जम्मू एंड कश्मीर इज द आंसर। बट याद रखिएगा स्टार्टिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड, ये इस रेंज से गुजरते हुए जाती है, तो इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। तो यहाँ आप सोच सकते हो उत्तराखंड भी तो है, तो आंसर यहाँ आपका लेकिन आएगा पहले, बिकॉज स्टार्टिंग हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होते हुए जम्मू एंड कश्मीर एंड इस सारे रेंज को कवर करता है, तो आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर फोर। पार्क स्ट्रेट्स कनेक्ट ए जावा सी एंड बे ऑफ बंगाल, बी बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, सी जावा सी एंड इंडियन ओशन या फिर डी रेड सी एंड अरेबियन सी। सो हियर इज द आंसर, दैट इज बी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। क्वेश्चन नंबर फाइव। हु वॉज द हेड ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। प्रांतीय संविधान समिति के प्रमुख कौन थे, ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डी JB कृपलानी। तो यहाँ पे अगेन आंसर हो जाता है हमारा ए, सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर सिक्स। हु इज या फिर आर द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया। भारत का उच्चतम कानून अधिकारी कौन होता है, ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर डी नन ऑफ दिस। तो आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे ए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं और स्टेट पे अगर हम बात करें तो स्टेट अटॉर्नी जनरल हो जाते हैं, राइट, जिसको हम एडवोकेट जनरल के नाम से जानते हैं। सो ये अटॉर्नी जनरल इज ऑन द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें तो एडवोकेट जनरल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक तापमान की आधार इकाई क्या है, ए केल्विन, बी कैंडेला, सी मोल या फिर डी एम्पियर। आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे ए, केल्विन इज द, केल्विन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट। अ गैस यूज एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज। पीने का पानी में एक कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग की जाने वाली एक गैस डैश है,
ए ओजोन, बी ऑक्सीजन, सी क्लोरीन या फिर डी क्लोरीन। तो आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे डी क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 9, इन मेकिंग द सैफ्रन स्पाइस विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड। केसर मसाला बनाने में पौधे में निम्नलिखित भागों में से किस एक का प्रयोग किया जाता है। ए लीफ, बी पेटल, सी सेपल या फिर डी स्टिग्मा। आई गेस ये आंसर सबको पता होना चाहिए, डी स्टिग्मा इज द करेक्ट आंसर। एंड मूविंग अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, अंतर बुद्धिज्म चैत्य इज बौद्ध धर्म के तहत चैत्य क्या है। ए रेसिडेंस, बी प्रेयर ऑफ हॉल, सी होली बुक या फिर डी होली प्रमाइस। तो आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे बी प्रेयर हॉल। ओके, आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड डू शेयर द वीडियोज एंड ऑल द न्यू व्यूवर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।